राजा हेरोदेस के समय में जब यहूदा प्रदेश के बैतलहम गांव में यीशु का जन्म हुआ, तब पूर्व देश से ज्ञानी पुरुष यरूशलेम नगर में आए। वे लोगों से पूछने लगे, प्रभु मुक्तिदाता यहूदियों के दिव्य राजा कहाँ हैं? हमने उनका तारा पूर्व देश में उदय होते देखा था, हम उस प्रभु का दर्शन करने आए हैं। प्रियो, जीवन एक यात्रा है और मुक्ति मानव का लक्ष्य है। जीवन में बहुत भटकाव और उतार चढ़ाव और संघर्ष है। संकल्प, साहस और संयम की साधना करने वाले दीन जनों और खोजियों पर उसकी कृपा बरसती है और वे प्रभु के दर्शन और मुक्ति और परमानंद को प्राप्त करते हैं। है पुरानी एक सच्ची कहानी, चल ज्ञानी महाज्ञानी वरदानी। सुनो बात है पुरानी एक सच्ची कहानी, चल ज्ञानी महाज्ञानी वरदानी। चल दर्शन को, चल मिलन को सुन के आकाशवाणी। चल ज्ञानी महाज्ञानी वरदानी। रास्ता कठिन और लंबा सफर, राह बड़ी अनजानी। रास्ता कठिन और लंबा सफर, राह बड़ी अनजानी। चल ज्ञानी महाज्ञानी वरदानी। यरूशलेम नगर में दिया शुभ समाचार। जब वो पहुंचे यरूशलेम नगर में दिया शुभ समाचार। आए हैं दर्शन को, कहाँ है जग का तारण हार। सुन बात ज्ञानियों की, मच गया नगर में हाहाकार। चमका था तारा पूरब में, आए देखन राजकुमार। सुन बात ज्ञानियों की, हुई सबको बड़ी हैरानी। चल ज्ञानी महाज्ञानी वरदानी सुन के आकाशवाणी। राजा का मन घबराया, कौन दूजा राजा ये आया। राजा का मन घबराया, कौन दूजा राजा ये आया। चुपचाप ज्ञानियों को बुलाकर पूछताछ करवाया। जाओ बालक को ढूंढो और तारे का पता लगाओ। कहाँ जन्मा है वो मसीहा, तुम आकर मुझे बताओ। राजा था बहुत बुरा, थी मन में उसके बड़ी बेईमानी। चल ज्ञानी महाज्ञानी वरदानी सुन के आकाशवाणी। चल दिए चलता तारा उनके साथ। तीनों ज्ञानी चल दिए चलता तारा उनके साथ। ठहर गया वो तारा वहाँ जहाँ थे यीशु मुक्तिनाथ। वो पहुँचे उस जगह
तीनों ध्यानी। चल ज्ञानी महाज्ञानी वरदानी, चल ज्ञानी महाज्ञानी वरदानी, चल दर्शन को चल मिलन को सुन के आकाशवाणी। चल ज्ञानी महाज्ञानी वरदानी, रास्ता कठिन और लंबा सफर, राह बड़ी अनजानी। रास्ता कठिन और लंबा सफर, राह बड़ी अनजानी। चल ज्ञानी महाज्ञानी वरदानी सुन के आकाशवाणी। चल ज्ञानी महाज्ञानी वरदानी सुन के आकाशवाणी। चल ज्ञानी महाज्ञानी वरदानी सुन के आकाशवाणी।